भाइयों यहाँ पर एक समाधान होना चाहिए। जो भी लव जिहाद करते हैं उनकी लिस्ट हमें दे, मैं और मेरी टीम उनको खुल्लम खुल्ला मारेंगे। हम किसी से नहीं डरते, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अपने बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, वो फुल पैरवी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह बयान तथाकथित गोरक्षक मोनू मानेसर ने जुलाई 4, 2021 में हरियाणा के पटौदी में हिंदू महापंचायत में दिया था। इस बयान से एक बात साफ हो गई थी कि पूरा का पूरा संरक्षण प्राप्त है आला अधिकारियों का इस बदमाश को, जो खुद को गोरक्षक बताता है, खुद को धर्म रक्षक बताता है। मोनू मानेसर को लेकर राजस्थान और हरियाणा की पुलिस आमने सामने आ चुकी है, क्योंकि दोनों पुलिस मोनू मानेसर की तलाश कर रही हैं, लेकिन उसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो अभी तक पुलिस से छुपा हुआ है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गोरक्षक का मुखौटा पहन लेने से किसी को यह लाइसेंस मिल जाता है कि वो खुलेआम गुंडागर्दी करे और उसमें आला अधिकारी भी शामिल रहे। सोशल मीडिया पर गोरक्षा की बात कहकर दो समुदायों में भेदभाव करवाने, उन्हें लड़वाने की पूरी साजिश मोनू मानेसर ने रची है। मोनू मानेसर ने 2022 जुलाई में एक मंदिर में पंचायत कर ये कहा था कि जितने भी मुस्लिम दुकानदार हैं उनका बहिष्कार किया जाए, उनसे कोई भी चीज ना खरीदी जाए। अब विडंबना यह है कि हरियाणा में जहां राम रहीम जैसे बलात्कारी के चरणों में बड़े बड़े मंत्री अपनी हाजिरी लगाते हैं, वहां प्रशासन और कानून ये गुंडे चला रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय और किसी भी तरह के न्यायालय का कोई भी वहां पर जोर नहीं दिख रहा, क्योंकि ना पुलिस डरती है न्यायालय से, ना इस तरह के बदमाश डरते हैं, और ना ही स्थानीय नेताओं में किसी तरह का कोई डर नजर आ रहा है।